प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से आरजू काजमी और फकर यूसुफ जई को और भारत की तरफ से होंगी कश्मीर की बेटी याना मीर जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मेरे साथ हैं जी याना मीर, सब याना को जानते हैं, याना के टीवी चैनल को भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया को भी यकीनन बहुत से लोग फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच याना क्या जा पाई हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आरजू जी बहुत बहुत सलाम आपके सभी व्यूअर्स को, माहे रमजान मुबारक एंड नमस्ते टू ऑल आवर हिंदू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। और साथ हमारे हैं फखर यूसुफ जई, और फखर भी जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी एक चलाते हैं, साथ साथ डिफरेंट जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके साथ भी काम करते हैं। थैंक यू सो मच फखर क्या जा पाए। थैंक यू वेरी मच आरजू, बहुत शुक्रिया आपके मतलब शो में बुलाने का एंड वेलकम टू याना आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको भी वेलकम करेंगे पाकिस्तान। आप दोनों मुझे एक फ्रेम में दिख रहे हो इतने टाइम के बाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ याना। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, आज हम थोड़ा बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आपने देखा ही है कि किस तरह से लोग जो हैं आजकल कुछ टाइम से बहुत ज्यादा अटैक किए जाते हैं, पर्सनल अटैक्स भी किए जाते हैं। आपके पीछे भी लग गए, और जब आप खासतौर पे आप जब लंदन गई थी और वहां से आपने आपका एक एड्रेस था वहां पे, और वहां पे आपने इवेंट था या कोई इस किस्म का वहां पे बात की थी आपने, और साथ साथ मलाला यूसुफ जई का भी आपने हवाला दिया था। खैर उस पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था क्योंकि मलाला जो है वो उनको यहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग हुई थी तो ऑब्वियसली वो डर के मेरे ख्याल बाहर चली गई, लेकिन खैर काम उन्होंने कोई खास किया नहीं, इसलिए आई एम नॉट अ फैन ऑफ मलाला यूसुफ जई एट ऑल। लेकिन उसके पीछे भी आपके पीछे लोग लग गए, वीडियोज भी बनाई और कहा कि जी ऐसा कौन सा कमाल कर दिया याना मीर ने जो बात कर दी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आपकी तारीफ होनी चाहिए थी, इतना बोल्ड स्टेप आपने लिया था और ऐसे आपने बढ़ के बात की थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान से नहीं भारत से लोग आपके पीछे पड़ गए, ऐसा क्यों? जी ये मुझे भी हैरानी हुई इस बात को लेके, आई डोंट नो व्हाई इतना हेट क्यों फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ। बट अब मैं इससे अफेक्ट होना बंद हो गया मेरा यू नो आरजू, क्योंकि एक टाइम पे सोशल मीडिया को आई यूज टू टेक इट एज एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, कि मैं जो पहले एक्स अभी एक्स से पहले ट्विटर हुआ करता था, मैं उनको ट्विटर फैमिली कहती थी। एंड मुझे एक तरह की स्ट्रेंथ आ गई थी ट्विटर की वजह से कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर मुझे कभी भी फॉर एग्जाम्पल रात को डर लग रहा है मैं ट्विटर पे ट्वीट कर देती थी कि यू नो यहाँ बहुत टाइम से लाइट नहीं है, या मैं ट्वीट कर देती थी अगर मुझे ना कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे लेमन ट्री होटल्स में मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं अपने ट्विटर फैमिली को बता देती थी कि ऐसे है भाई यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे मुझे बुरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं हर एक चीज अपनी ट्विटर फैमिली से शेयर करती थी। लेकिन अब जो है वो फैमिली रही नहीं, वो एक ऐसी गंदी गली बन गई है जहां पर मतलब वो नहीं वो अंधेरी गलियां होती हैं जहां लड़कियों को कहा जाता है कि वहां मत जाना वहां पर गुंडे हैं, यू नो ये वैसे उस तरह की गली बन गया है ट्विटर, उस तरह की जगह बन गया है जो अभी एक्स है, कि आप कुछ भी बोलो आपको जज किया जाता है, आप कुछ भी बोलो आपको नेगेटिवली जज किया जाता है, आप ना भी बोलो तो भी आपको नेगेटिवली जज किया जाता है। तो वो एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन गया, हर कोई दूसरे को जज किया जा रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर ऐसे क्यों हो रहा है एंड आई एम वेरी हर्ट अबाउट इट। जैसे कि लास्ट मैंने एक बार लिखा था कि जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है एनवायरमेंट पे, तब भी आपको याद है कि वो जज करने लगे कि एंटी हिंदू है, ये दिवाली के खिलाफ है। आप सोच सकते हो मेरे लिए कितना हर्टफुल हुआ होगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लोगों के खिलाफ जाके हमेशा हिंदुओं की हक की बात की है कश्मीर में। दूसरी बार ये हुआ जब मैं लंदन से वापस आई तो जिस तरह कस्टम्स वाले बिहेव कर रहे थे उसको लेकर, देखिए उसको लेकर मुझे जज किया गया कि ये खुद को क्या समझती है, ये क्यों नहीं, ये तो सबके लिए लॉ है। कस्टम्स और सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है, सिक्योरिटी चेक्स हर किसी के लिए होते हैं, ये मैं भी मानती हूँ और ये मैं बोलती भी हूँ। कश्मीर में जब लोग नाराज होते थे कि भाई हमारे हर एक नाके पे चेकिंग क्यों होती है, मैं उनको समझाती थी कि ये सबकी भलाई के लिए ये होना भी चाहिए, ये लॉ है, ये सबके लिए है। वांकड़े स्टेडियम में शाहरुख खान के साथ भी हुआ है, अंबानी के साथ भी होता है, तो आप क्यों बचोगे, तो मैं खुद कहती हूँ।
लेकिन कस्टम्स अलग चीज है। कस्टम्स में ये होता है कि कोई लॉ नहीं है वहां पर, उनको हक दिया गया है कि अगर कोई उनको लगता है, अगर उनको शक होता है कि कोई बहुत महंगा सामान लेकर आ रहा है बिना ड्यूटी दिए या कुछ चोरी करके ला रहा है, तो उसको वो कह सकते हैं कि भाई आप खोल के सूटकेस दिखाइए। तो फर्क ये होता है कि सिक्योरिटी में आपकी हैंडबैग खोलते हैं और कस्टम्स में पूरा सूटकेस ही खोल देते हैं। तो यहां पर मुझे एक ही चीज बुरी लगी कि भाई आप किसी को कह रहे हो कि सूटकेस खोलो, तो आपने पहले ही उसको क्या चोर ठहरा दिया कि आप जिस तरह से बात कर रहे हो उसके साथ, जैसे कह रहे हो कि यहाँ रखो, ये लेकर जाओ, वो ऐसे करो, मतलब ऑलरेडी जैसे कि उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मैं कोई चोर हूं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी, उनका उनका जो तरीका था बात करने का, लहजा था, मुझे उससे आपत्ति थी। और वही मैंने अपने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, अगर आपको मैं शक्ल से चोर लग रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ चोरी करके ला रही हूँ या मैंने किसी कुछ स्मगलिंग कर रही हूँ, ड्रग्स ला रही हूँ, गोल्ड ला रही हूँ, या बिना ड्यूटी दिए कोई महंगी चीज ला रही हूँ, आपको पूरा हक है भाई आप खोलो मेरा सूटकेस। लेकिन देखिए आरसू, मेट्रो में भी जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग तो कस्टम से बड़ी चेकिंग होती है, वो लड़कियों को साइड में ले जाते हैं और वहां उनकी चेकिंग करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, साइड में जगह थी लेकिन उन्होंने ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या है, जानबूझकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके सामने, पब्लिक के सामने मेरा पूरा सूटकेस खोल दिया और खोल के उसको पब्लिक व्यू में रख दिया। उन्होंने साइड में भी नहीं लिया, पब्लिक व्यू में रख दिया। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, अगर आपको लगा कि इसको पब्लिक में ही खोलना है, हमको इसको यहीं पे जलील करना है, कोई बात नहीं, फिर चेकिंग तो करो। चेकिंग भी नहीं कर रहे, उसको वहां पर खोल दिया और यहां वहां घूम रहे। उन्होंने जो फुटेज अपनी ट्विटर पे डाली, उसकी फुटेज तो डाली नहीं कि 15-20 मिनट तक मेरा सूटकेस खुला हुआ है ऐसे लोगों के सामने, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये लोग चेकिंग भी नहीं कर रहे, हर कोई मेरे सूटकेस के अंदर झांक के देख सकता, हर कोई देख सकता है कि एक लड़की का सूटकेस वहां पे खुला पड़ा हुआ है, एंड चेकिंग क्यों नहीं कर रहे। मुझे ये बात की हैरत हो रही थी, चेकिंग करो, खत्म करो बात को यार, मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ, वो भी नहीं। अच्छा, जिस टाइम से उन्होंने मुझे देखा उस टाइम से इन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी कि आप ये भी नहीं कह रहे ठीक से, भी नहीं कह रहे वहां पे सूटकेस रखो, स्कैनर में रखो। अच्छा, मैंने स्कैनर, मैंने कहा यार हम रात की फ्लाइट से आए, मुझे पीठ में दर्द है, कोई हेल्प करेगा, आप हद में रह के बात करो, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अब बताओ, मैंने अगर रिक्वेस्ट कर ली कि सूटकेस के साथ हेल्प करो तो उसमें क्या गलत बोला। तो ठीक है, पोर्टर को बुलाया, मुझे और 10-15 मिनट रुकाया, पोर्टर को बुलाया, फिर उठा के, ये नहीं कि स्कैन तो हो गई थी बैग, लेकिन ये नहीं कि वापस पोर्टर ने ट्रॉली में नहीं डाला, फिर कहा कि नहीं रखो हमें इसको खोलना है। अब खोला खोला खुला, खुला छोड़ दिया पब्लिक व्यू में। तो ये पूरा जो फीलिंग है ना, और जो मैं वहां बोल रही थी कि आप जानते हो मैं वहां क्या बोलकर आई हूँ यूके में, ये मैंने लाइन इसलिए बोली क्योंकि मेरा मतलब ये था कि मैं यूके में बोल के आई हूँ कि इंडियंस को कोई जलील नहीं कर सकता क्योंकि हम रेफ्यूजीज की तरह नहीं रहते, तो भाई अपने देश में क्यों जलील कर रहे हो, मेरा ये मतलब था। आप अच्छे से बोल सकते हो क्योंकि अभी तक आपने प्रूफ नहीं किया कि मैं कोई चोर हूं, तो आप अच्छे से बोल सकते हो कि सूटकेस साइड में लाए मोहतरमा, हमें आपका सूटकेस चेक करना है, आप अच्छे से भी तो बोल सकते हो। ये इस तरह का बिहेवियर कि आते ही किसी को ऐसे दिखाना कि आप चोर हो, मुझे वो गलत लगा और मैंने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो मुझ पर ही चढ़ गए। तो मैंने सोचा कि ये अब फैमिली रही ही नहीं तो इनको कुछ बोलने का फायदा ही क्या है। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि अपने साथ जो पर्सनल चीजें होती है वो मैं ट्विटर पे कभी नहीं डिस्कस करूंगी। आज भी जब मैंने माहे रमजान की मुबारकबाद दी ट्विटर पे, मैंने माय ट्विटर फैमिली नहीं बोला और मैं आई थिंक मैं फ्यूचर में भी वो नहीं बोलूंगी। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि याना सब लोग एक जैसे नहीं होते। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं और करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं। अब जैसे फखर जानते हैं, हम लोग, मैं और याना, ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा हो गया हम एक दूसरे को जानते हैं। जाहिर टीवी चैनल्स के जरिए हमारी मुलाकात हुई, सब कुछ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं है, तो हमारा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, हम एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ जो कुछ हुआ कि किस तरह से मुझे अभी तक, आज की जिस वक्त हम ये शो कर रहे हैं उस वक्त तक मुझे जो बुरा भला कहा जा रहा है, मुझे कहा जाता है कि जी ये तो यूट्यूब की वजह से इसको अचानक से जो है भारत पसंद आ गया, या अचानक से इसको हिंदू जो है उनके साथ ये मिलने लगी है, जबकि मैंने अपने स्कूल की पिक्चर लगाई है, आई थिंक आई वॉज इन क्लास 8 और 9th,
मैंने वो पिक्चर भी शेयर की है जिसमें मैं होली खेलकर आई हूँ और पूरा मेरा कलर लगा हुआ है, वैसे बड़ी चंपू लुक है मेरी उसमें, तो मैं कई लोगों ने लिखा कि तुम्हारी अभी भी चंपू लुक है, तो ठीक है इट्स ओके. लेकिन मैं कोई यूट्यूब की वजह से नहीं, एकदम से कोई फ्रेंडली मैंने होना शुरू कर दिया है, तो लोग ऐसा करते हैं, लोग आपके इतने तो ज्यादा. ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं के थे ना अर्जु, इंडिया के, मतलब बिल्कुल आपके ग्रैंड पेरेंट्स हाँ इंडिया के हैं, तो बिल्कुल जाहिर बात है कि यही है. हाँ, एक लेकिन सॉफ्ट ये क्या कॉर्नर करते हमेशा हैं, रहेगा आपका। जी वही ना. अभी देखे आपने वो जो रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले, उस पे आपने भी ट्वीट लगाई कि ये गलत है, मैंने भी किया, तो उसके ऊपर जो जिसे कहते हैं ना इस वक्त जो चल रहा है कि लोगों ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी तक में मेरी वो वीडियो लगा दी और स्क्रीनशॉट लगा के कि देखो देखो ये मुसलमानों को क्या कहते हैं, हर तरफ से गालियां पड़ रही है. लेकिन फखर आपको भी बहुत बार टैग किया जाता है, आपको भी बहुत बार बुरा भला कहा जाता है, ये और बात है कि मैं थोड़ा फिर भी शायद परेशान हो जाती हूँ या गुस्से में आ जाती हूँ. फखर का ये कि बहुत ठंडे मिजाज के फखर कहते हैं ठीक है जी करने, जी जवाब भी ना दो. क्या वाकई फखर जवाब नहीं देना चाहिए, या याना जैसे कह रही है कि ट्विटर फैमिली नहीं लिखा, लिखना चाहिए. खैर मेरा तो ख्याल है लिखना चाहिए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप दोनों की जो बात है अपनी अपनी जगह दुरुस्त होगी, बट मैं कहता हूं कि मतलब जीरो रिस्पॉन्ड, मतलब करना नहीं, कुछ बोलना, यानी उन लोगों के पास इसके अलावा कुछ और है नहीं ना। अगर उनके पास कुछ करने को होता, कोई प्रोडक्टिव चीज करने की होती, तो शायद वो करते, बजाय इसके कि उस इस चीज पे अपना टाइम वेस्ट करते कि याना को अगर वहां पे अवार्ड मिला लंदन में, पार्लियामेंट में उसको स्पीच करने का मौका मिला, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाता कि भाई याना आपने मतलब रिप्रेजेंट किया हमें, और हमारे हवाले से ये बात, मैं ये यहाँ पे नहीं, बहुत सारे और लोग ये कहते हैं कि जी वहां तो मुस्लिम्स के साथ ये होता है वो होता है, गलत साबित कर दी उसने कि नहीं, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप एक प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, उसने ये साबित किया उस पार्लियामेंट के। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर याना मीर ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, हम जानते हैं कि पिछले महीने याना मीर जब ब्रिटिश के पार्लियामेंट में गई थी, तब उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्पीच दी थी जहां पे उन्होंने ये कहा था कि वो मलाला नहीं है और वो भारत देश में एकदम सुरक्षित महसूस करती है। पर जब वो वापिस आई और दिल्ली एयरपोर्ट में जो उनके साथ हुआ, आपने वो सब सुना कि याना मीर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, और दूसरी ओर आरजू कासमी ने भी बताया कि कैसे उनको अब ट्रोल किया जाता है हर बात को लेके, क्योंकि उनकी कुछ पुरानी वीडियोस काफी वायरल हो रही थी जहां पे वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रिटिसाइज करती थी, पर पिछले 3-4 सालों से ये रुख बदला है, अब वो भारत की और भारतीयों की तारीफ करती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।